देख रहे ना आप लोग इसमें लखनऊ में कितनी ज्यादा सजावट है, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यह जगह, क्योंकि 26 को है अपना गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। तो खूबसूरत ही खूबसूरत चारों तरफ। तो ये सामने राजभवन है और इधर राजकीय शाखा मुद्रालय, और भी आगे चलते हैं तो और भी आपको खूबसूरत नज़र दिखाते हैं। दो चैनल पर पहली बार हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देख रहे हो ना भाई साहब कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो बस वीडियो में बने रहो भाई लोग, ऐसे ही मज़ेदार आपको दिखाते हैं। राइट हैंड पे आयकर भवन देख रहे ना कितना ज़्यादा खूबसूरत है, क्या ही कहने यार। और आगे हजरतगंज चौरा आ रहा है, आधा किलोमीटर पहले से रेड लाइट हो जाती है। चलो देखते हैं कहां तक जाने को मिलता है। वो भाई साहब कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप रे ये बुलेट वाले भैया भी ना, कहाँ से निकलना पड़ रहा है भाई साहब। ऐसे ऐसे लोग हैं कितना कैमरे में आता है। ओए रे 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 भाई साहब जल्दी जल्दी चलो। ओ चौरा पीपी नगर में खोपड़ी में चढ़ जाना। नजारे आ रहे हैं नहीं आ रहे यार। भाई साहब ये आगे हजरतगंज चौराहा हमने क्रॉस कर लिया, आगे है विधानसभा, जीपीओ, लोक भवन, सब कुछ है। ये जीपीओ आगे मेरे दाहिने हाथ पे देख रहे हो ना, है ना खूबसूरत नज़ारा। और भी काम चल ही रहा है हमें लग रहा है। कल जी थोड़ा थाम के हाँ भोपू भी लग गया यहाँ पे। और विधानसभा आने वाला है। अब भाई साहब देख रहे ना आप नज़ारे, तो देखिए खूबसूरत क्या ही कहने, इतना ज़्यादा सजा रखा है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। अरे मेरे लेफ्ट हैंड पे है विधानसभा, अभी ऐसा लग रहा है देखने में। और राइट हैंड पे है लोक भवन, कुछ मज़ेदार नहीं आ रहा है। और आगे चल के ये विधान भवन का गेट नंबर 3 आ गया, और आगे भी रेड लाइट है, आगे रॉयल होटल चौराहा है। अपन तो साइकिल पे है, देखे कहाँ तक निकल सकते हैं, लेकिन साइकिल वाले भी नहीं निकल पाते हैं, सारी रास्ता बंद कर रखते हैं लोग। पर लग रहा है यार, अबे मेरा फोन गिर जाएगा। भाग रहा है जल्दी जल्दी, खूबसूरत खूबसूरत। अबे मैं कहाँ फंस गया,
में आप क्या अंकल जी बात तो नहीं मान रहे हो। फोन मत गिरना। देख रहे हो ना भाई साहब, इतना ज्यादा जाम लगता है शाम के टाइम और नज़ारे कुछ खास नहीं देखने को मिल रहे हैं। लाइट यार अभी तक लगी नहीं, मैंने सोचा था लग गई होगी लेकिन अभी तक लगी नहीं। सूजी वाले भैया, सूजी सूजी सच्ची वाले, मेरे को डर लग रहा है मेरा फोन ना गिर जाए। यहाँ मैंने माउंट कर रखा है, बार बार टेढ़ा हो जा रहा है। तो भाई आगे बर्लिंगटन चौराहा है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भैया रेड लाइट हो रखी है और दूर से ही कोई परेशानी हो रही है। तो भाई साहब, भाई साहब, होके जाना पड़ेगा। मैं तो निकलूंगा यार यहाँ से। सुंदर सुंदर बुके, क्या ही कहने, सुंदर सुंदर लोग, सुंदर सुंदर दुकाने। रुको भैया, रुको रुको रुको, रो कहाँ तार गड्डिम गड्डा बस भैया और भी चलेंगे। यह फायदा साइकिल होने का। ओ भाई, ओके 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 ओके, चल रो चल रो। मैं बर्लिंगटन चौराहा क्रॉस कर चुका हूँ। आगे ये कौन सा चौराहा पड़ता है पता नहीं, कौन सा चौराहा है। आगे सीधे चलते हैं चार बाग, फिर आगे चलते हैं। ओए 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 ओए, मार्ग संख्या चार आगे निकल के दिखाऊंगा। मैं जीतूंगा बस से जरूर। रुक जाओ चिच्चा, हमको जाने दो। मैं
मैं जीत गया पद पे, लेकिन मेरी हट गई। खड़ा हो गया। मेरे को ब्लॉगिंग करने दो, तो पीछे ये पो कर रही है ना, वो बस इलेक्ट्रिक बस है, बहुत ही फायदे है इसके, ना पोल्यूशन ना नॉइज पोल्यूशन, कोई सा भी पोल्यूशन नहीं होता है इसकी। मैंने एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखा होगा तो ऊपर लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ पे देख लेना। मस्त मैंने सफ़र किया है 10 किलोमीटर, ये देख के निकली है ना, खूबसूरत एकदम लग्जरी। ओ ये किसी का पेट्रोल पंप आ गया यहाँ पे, दोस्तों लोग हम चार बाग रेलवे स्टेशन पे बस पहुँचने ही वाले हैं। एक ये देखिए है ना, लखनऊ रेलवे स्टेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। ओम फो, यहाँ तक मैं पहुँच गया और इसकी सुंदरता तो सब लोग जानते ही हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपसे। फिर भी एक राउंड नाइट व्यू का आप देख ही लीजिएगा। ओ चचा देख रहे ना क्या नज़ारे, खूबसूरत कलरफुल लाइट हो गए। नमस्त जबरदस्त मुरादाबाद। एकदम खूबसूरत मस्त लखनऊ का सबसे ज्यादा खूबसूरत एक मात्र सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन चारबाग। ओए होए, अब मैं कहीं पर रुकता हूँ क्योंकि मैं गया हूँ थक। ओए होए होए, ओ तो दोस्तों हम चारबाग रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और यहाँ मेरी हालत एकदम पसीने से पूरा भीग गए, पता ही चल रहा होगा पसीना, क्योंकि आप देख सकते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन और मेरी साइकिल यहाँ पे खड़ी हुई है। ओए इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, हमको पसीना आ रहा है। तो चलो मिलते हैं आगे फिर। तो दोस्तों जो ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सब झांकी हैं जो गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि 26 जनवरी को यानी कि बुधवार को आप सभी को, बुधवार को ये सब आपको अशोक मार्ग पे विधानसभा के सामने आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो सबका काम चल रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जब बन जाएंगी तब आप देखिएगा, खूब मज़ेदार। देख रहे हो ना सब एकदम बन के तैयार हो रही हैं, कारीगर लगे हुए हैं बना रहे हैं, और क्या ही कहने। अगर टाइम मिला तो मैं आऊँगा ज़रूर और आपको भी दिखाऊँगा एक एक झांकी। देख सकते हैं ना आप यहाँ पे, और जूम करता हूँ, और भी ज़्यादा हो गया। ये देखिए है ना खूबसूरत, वंदे मातरम। अरे भैया बड़ा रे, देख रहे ना मस्त, जय श्री राम। एकदम मस्त, इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख ही सकते हो ना मेरे पीछे आप, मस्त एकदम। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी बढ़िया से प्यारे से वीडियो में। पीछे सजावट देख रहे ना विधानसभा के, है ना एकदम चौचक झकास। मिलते हैं बेटा, बाय, जय श्री राम।